रुको 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 रुको, अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हो और आपका बजट है 13,000 रुपये और या तो 13,000 रुपये से कम में, तो प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए उस फ़ोन का प्रोज और कॉन्स क्या क्या। बेसिकली मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि उसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं और आपको किस बेसिस पे लेना चाहिए, और साथ ही साथ आप जब भी मोबाइल लेने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या निगेटिव पॉइंट्स है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, और आपकी जो भी डिमांड है वो भी आपको पता चल जाएगी कि मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप पॉइंट मिस कर दोगे तो आप इस महीने में कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको सस्ता फ़ोन लेना है और अच्छा फ़ोन लेना है तो। मोटोरोला G32, ये आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए बाकी के यूट्यूबर्स आपको सारी स्पेसिफिकेशन सब कुछ एकदम सही तरीके से बता देंगे, लेकिन कोई भी आपको मेन चीज़ नहीं बताता कि आपको क्यों लेना चाहिए, आपको किस वजह से लेना चाहिए और इसमें क्या चीज़ मिलेगी और क्या चीज़ नहीं मिलेगी, इसके प्रोस क्या है और इसके कॉन्स क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड से बताने जा रहा हूँ। अगर कुछ छूट जाएगा मुझसे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना और गाली मत देना कमेंट में, ठीक है। प्रोस से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें अवेलेबल है, जो अब सारे के सारे स्मार्टफोन अपने मोबाइल के डब्बे से निकाल रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही सुना, मोटो G32 ने चार्जर दिया हुआ है। वाओ, मतलब चार्जर इस टाइम चार्जर देना मतलब ऐसा हो गया है कि सोने पे सुहागा। ये आपने बिल्कुल सही सुना, चार्जर दिया गया है, 33 का टर्बो फास्ट चार्जर आपको इसमें मिलेगा और साथ में आपको जो इसमें बैटरी दी गई है, बैटरी इसमें 5000 mAh की दी गई है, इट इज़ क्वाइट गुड। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इतने सस्ते बजट के फ़ोन में आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई है। इसमें साथ ही साथ आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, वो ये रहेगा कि आपको दो सिम कार्ड के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस मोबाइल में यही लगी कि आप अपनी मेमोरी कार्ड को भी एक्सपैंड कर सकते हो। आपको इसमें 3.5 mm जैक बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा कि जिसको मन करेगा आपका कि वाह ताज। कम से कम एटलीस्ट इतना कम बजट में फ़ोन है और आपको चार्जर भी दे रहा है और आपको साथ में 3.5 mm जैक दे रहा है। अब आते हैं इसके कौन पे निगेटिव चीज़ क्या है, जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ। ये और एक्टिंग वाली हंसी थी ना। ओके, तो इसका जो कौन सा है, तो देखिए इसमें परफॉर्मेंस में क्या है ना कि परफॉर्मेंस में 680 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि कम से कम एटलीस्ट 700 तो यार हो ही सकता था, बट नहीं दिया तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इसकी जो मेमोरी दी गई है, जो रैम दी गई है, वो दी गई है 4 GB रैम दी गई है, 64 GB की स्टोरेज दी गई है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो 600 nits की पीक ब्राइटनेस है, बट ये बढ़ के मेरे पसीने जैसी हो जाती है, मतलब गिरती रहती है। बहुत मेहनत करते, एकदम गर्मी में बना रहा हूँ मैं। पीक ब्राइटनेस इसकी 800 हो सकती थी, बट इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 600 nits दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा, यार सेल्फी कैमरा अगर 16 MP से बढ़ा करके 32 MP कर देते तो यार थोड़ा सा और अच्छी सेल्फी आती, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, आजकल लोग फ़ोन्स मतलब कोई भी लेता है तो वो कोशिश करता है कि सेल्फी ज़्यादा प्रेफर करता है कैमरे से क्लिक करना अपनी, तो उसको और अच्छा कर देते तो और मज़ा आ जाता, बट आपने नहीं रखा। अब आते हैं कंक्लूजन पे, अगर कोई चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं आपको उस बारे में भी ज़रूर से बता दूंगा। कंक्लूजन पे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए और आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए बेसिकली अगर आपका बजट 13,000 रुपये है तो आपको बिल्कुल आराम से ये फ़ोन को ले लेना चाहिए, बट शर्त ये है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका यूजेज कुछ ऐसा होना चाहिए, डेली टास्क आपका कोई हैवी यूसेज नहीं होना चाहिए, एडिटिंग या गेमिंग का आपको कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, कि मतलब आप इसलिए ये फ़ोन मत लीजिए कि आपको गेम खेलना है या एडिटिंग करना है, इसलिए प्लीज़ आप ये फ़ोन ना लीजिए। अगर आप इस फ़ोन में ये चीज़ सोच करके ले रहे हो
कि मैं गेम खेलूं या मैं एडिटिंग करूं या मैं सेल्फी लूं, तो प्लीज़ ये आपके लिए फ़ोन नहीं बनाया। ये फ़ोन उनके लिए बनाया है जो डेली बेसिस पे काम करते, बट उनको सब कुछ एवरेज चाहिए कि यार फ़ोटो भी बस खींच जाए, थोड़ा मोड़ा सा गेम खेल लें और साथ में बैटरी भी अच्छी हो। तो ये आपके लिए बना है, इस बजट में आपके लिए ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो तो गो फॉर इट, और साथ में इट्स ऑल माई ओपिनियन। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप सब्सक्राइब।